काम गौतम ऋषि के आश्रम में गया, गौ की सेवा करता है तप और श्रद्धा पूर्वक, जिसका परिणाम चार चार दैव सृष्टि से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ऋषभ से, अग्नि से, हंस से और अंत में जो मधु से। प्रकाशवान आत्मा का एक पाद है, अनंतवान दूसरा पाद है, ज्योतिषमान तीसरा पाद है और आयतनवान चौथा पाद है। जो इस विद्या को जानता है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जिसको जानेगा वही प्राप्त होगा। जिस विद्या को जानेगा, अच्छी तरह से जानेगा, अनुष्ठान करेगा, उसको प्राप्त करेगा। जो राजनीति को जानेगा, कितना वोट कहाँ पर हो राजनीति में जावेगा। जो व्यापार को जानेगा, व्यापार में जावेगा। जो अध्यात्म को जानेगा, वो अध्यात्म में जावेगा। और उसके बाद सत्य काम का समावर्तन संस्कार हो जाता है। सत्य काम का अपना गुरुकुल चलता है, उसकी अपनी शाखा चलती है, उसका विवाह भी हो गया और संगति लेते हैं भगवान भास्कर। पुनः ब्रह्म विद्याम प्रकारांतरेण वक्ष्यामि इति आरभते। फिर से उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जावेगा। वक्ष्यामि, उसी ब्रह्म विद्या का उपदेश करना है। कौन सी ब्रह्म विद्या का? जिसका पहले हो चुका है, जो विद्या पहले बताई जा चुकी कि ब्रह्म के चार पाद हैं और 16 कलाएं। एक एक पाद के चार कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं। 16 कला चार पद का जो अधिष्ठान है सो ब्रह्म। सोपाधिक दृष्टि से चार पाद वाला है, निरपाधिक दृष्टि से वही सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप है। उसी को फिर से बताना है प्रकारांतरेण, थोड़ा दूसरी तरीके से समझाना। विद्या वही है, ब्रह्म विद्या वही है। ऋषि 10 तरीके से समझाएंगे, ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, इस तरीके से नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो। समझाना हमको उसी को है। प्रकारांतरेण वक्ष्यामि इति आरभते। एक चीज़ अभी बताना रह गया था, वो भी अब आगे बताया जाएगा। गतिम च, गतिम च तद विदो अग्निविद्याम च। गति कौन सी होती है? अगर ज्ञानी हो जाएगा तो, ज्ञानी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ तो उसकी गति क्या होगी? और इस मार्ग पर चला नहीं तो क्या गति होगी? तो जीव की गति का भी निरूपण करना है। इसके लिए आगे का एक आख्यायिका है, पूर्ववत आख्यायिका, पूर्ववत। पहले के जैसे क्या बताया जाएगा? ब्रह्म विद्या के साधन, पूर्ववत श्रद्धा तपसो ब्रह्म विद्या साधनत्व प्रदर्शनार्थ। लगातार देखना, पूर्ववत पहले भी बताया है, इस आख्यायिका में भी इस चीज़ को बताना है पहले के जैसे कि श्रद्धा तपसो ब्रह्म विद्या साधनत्व। श्रद्धा और तप ही ब्रह्म विद्या का साधन है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन दो चीज, श्रद्धा और तप, यही साधन है। मंत्र पढ़ते हैं। उपकोशलो हवे कामलायनः, उपकोशलो हवे कामलायनः, सत्यकामे जाबाले, सत्यकामे जाबाले, ब्रह्मचर्यम उवास, ब्रह्मचर्यम उवास, तस्यः द्वादश वर्षाणि, तस्यः द्वादश वर्षाणि, अग्नीन परिचचार, अग्नीन परिचचार, साहा अस्मा, साहा अस्मा, अन्यान अन्ते वासिना समावर्तयन्, अन्यान अन्ते वासिना समावर्तयन्, तगुमः अस्मवै न समावर्तयति। कामलायनः उपकोशलः, बहुत प्रसिद्ध घटना है। हाँ, जहाँ पर भी आता है मंत्र में, वेद में, प्रसिद्धता के अर्थ में है। बहुत ही प्रसिद्ध घटना है कि कमल का पुत्र कामलायन, जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ उपकोशल, ये नाम है उपकोशलो नामता, उपकोशल नाम है
कमल का पुत्र है, इसलिए उसका एक हुआ कामलायन। ये संज्ञा दोनों है। तो कमल के पुत्र कामलायन उपकोशल नाम वाला सत्यकाम जाबाला के पास पहुंचा, किस लिए? ज्ञान प्राप्त के लिए। ब्रह्मचर्यम उवास, ब्रह्मचर्य पूर्वक उनके आश्रम में रहा, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की। अब वही समित पाणी होकर के गया होगा, सत्यकाम ने उसको अपना शिष्य स्वीकार किया और रहा। और कितने समय तक रहा? ऋचा में लिखा द्वादश वर्षाणी अग्निन परिचचार, 12 वर्षों तक गुरु जी के आश्रम में रहा। गुरु जी ने जो बताया, जिस अग्नि की उपासना की बात बताई, वो उसी प्रकार से अग्नि की उपासना करता रहा 12 वर्ष तक। आप लोग कितने दिन रहोगे? चलो 7 दिन में भी फुल टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं हो तो जितने समय ध्यान में बिठाएंगे उतने समय मेरे पास, जितने समय सत्संग में बिठाए उतने समय तक है। ध्यान और सत्संग के बीच के समय में बाहर की वृत्तियों में रमण होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ध्यान के और सत्संग के बीच में जो टाइम मिलेगा, ज़्यादा नहीं, शायद आधा घंटा मिला होगा चाय के बाद, उतने समय में सारी देश दुनिया की खोज खबर, हाल चाल, तू कैसा, मैं कैसा, और मेरे कमरे तक आवाज़ जाती है, सब हो गया, सबका हो गया। अब तो उतने समय तक आप इसमें थोड़े रमण किए, उतने समय तक आश्रम में नहीं रहे, फिर जिसकी चर्चा करते रहे चित्तवृत्ति वहाँ गई ना। फिर वही कहूँगा संभोग संबित वृत्ति कहाँ गई, जिसकी चर्चा किया आपने, देश की, दुनिया की, घर की, परिवार की, जिसकी चर्चा किया आपकी वृत्ति वहाँ पर चली गई, संबित वहाँ चला गया, फिर आपके ध्यान की संबित नहीं रही, ज्ञान की संबित नहीं रही। हमारी संबित जो है वो नहीं रह पाता, वही तो उसमें समय लगता है। 12 साल ज्ञान देने में नहीं लगता था, 12 साल तैयारी में लगता। जैसे कई बार मैंने कहा भोजन करने में देरी नहीं होती, 5 मिनट में भोजन कर सकता हूँ आराम से पेट भर के। हाँ, बहुत प्यार से खाओगे तो 10 मिनट, और उस भोजन की तैयारी में पैसा कमाओ, खरीद के लाओ, फिर घंटे भर बनाओ, भोजन की तैयारी में बहुत देर है, भोजन करने में कौन सा देर है, खाया पिया चला बस। ऐसे ज्ञान में देरी नहीं, 12 साल तैयारी में लगता था। चाहे जितना मैं कहूँ मौन रहो, अंतर्मुखी रहो, महात्माओं का काम ही कहते रहना, हम भी खुश बड़ा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बर मरे चाहे कन्या, मैं दक्षिणा से काम। अब एक ही बार में तुम सब लोग ज्ञानी हो जाओगे तो अगली बार साधना शिविर में कौन आवेगा। करते रहो, चर्चा खूब करते रहो, राम पलक। भाई अभी जगन्नाथपुरी भी तो चलना है सबको, अब इसी बार सब लोग पूरी साधना तन्मय होके कर लो, बस अहम अस्मि सदा भामि कदाचित नाहम अप्रियः ब्रह्म ही वाह अहम अतः सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम सिद्धो अस्मि अनुग्रहीतो अस्मि भवता। तो फिर यहाँ से फिर तो दूसरी बार जगन्नाथपुरी जाएगा कौन? तो भगवान भला करें, इसलिए ऐसा डॉक्टर अच्छा कि ऐसी दवाई दे जो टेम्परेरी काम करे। वो डॉक्टर बढ़िया, क्योंकि बार बार वो कस्टमर हमारे यहाँ आता रहे, एक ही बार में ठीक हो जाना वो ठीक नहीं तो ठीक है। खूब कल से खूब चर्चा कर लेना, अभी इसके बाद जितना मर्जी आए। तो द्वादश वर्षाणी अग्निन परिचचार, 12 वर्षों तक सेवा किया गुरुकुल में। साहा अस्म, उसके साथ बहुत सारे और विद्यार्थी लोग थे। अन्यान अंते वासना समावर्तयन, लेकिन और बहुत सारे जितने विद्यार्थी थे इस उपकोशल के साथ आए थे, उन सब का तो समावर्तन संस्कार कर दिया सत्यकाम ने। समावर्तन माने उनकी ब्रह्म विद्या पूरी हुई, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। उनका सबका समावर्तन, इसको कहते हैं समावर्तन, वापस करना, समावर्तन संस्कार कर दिया सबका। लेकिन तगुम हा अस्मा,
एव ना समवर्तयति। एक विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार गुरुजी ने नहीं किया, उसको वापस नहीं किया, उसका यही उपकोशल को वापस नहीं किया, उसका समावर्तन संस्कार नहीं किया। अब क्या देखा सत्यकाम ने, दृष्टि क्या रही होगी सत्यकाम की, वो अलग चीज़ है, अब उस पर विचार करना होगा आप लोगों को अलग से, क्योंकि भाष्य में उस पर नहीं है कुछ। लेकिन और सारे जितने गुरुकुल के विद्यार्थी थे सबका तो समावर्तन संस्कार हो गया, समावर्तन माने विद्या पूरी हुई, अब अपने घर जाओ। लेकिन एक विद्यार्थी का नहीं किया, नहीं किया। तो एक दिन उस विद्यार्थी को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ दिल के भीतर। तो जो सत्यकाम की पत्नी है वो विद्यार्थी के चेहरे को देखती है, उसको बड़ा दुख होता है। इस बच्चे ने 12 साल तक बड़ी सेवा किया, 12 साल तक अग्नियों की सेवा किया, आश्रम की सेवा किया, और देखो इसका समावर्तन संस्कार नहीं कर रही। तो वो पत्नी सत्यकाम को कहती है, सत्यकाम की पत्नी सत्यकाम को कहती है, तम जाया उवाच, तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्निन परिचचार, इन्मा त्वग्नयः परिप्रवोचन प्रब्रूहि अस्मा इति तस्मै, हा प्रोच्यैव प्रवांश्चक्रे। सा तम जाया उवाच, पत्नी ने कहा। अब देखो ये उस साधक की साधना पर कितना लगन थी, और प्रमाण कोई और दे रहा है, वो नहीं कह रहा है कि मैंने इतनी सेवा किया ना, वो नहीं कह रहा है। लेकिन प्रमाण तो वो होता है कोई दूसरा आपको सर्टिफिकेट देवे ना। तो सत्यकाम की पत्नी कहती है, तप तो ब्रह्मचारी, हे स्वामी ये ब्रह्मचारी ने खूब तपस्या किया है, तप तो ब्रह्मचारी, इसने खूब साधना किया, खूब तपस्या किया है, कुशलम अग्निन परिचचार, कुशलता पूर्वक सेवा किया है अग्नियों की, कोई कमी नहीं छोड़ी है कुशलता पूर्वक, क्योंकि योगा कर्मसु कौशल, हर कर्म को करने की कुशलता भी चाहिए, बुद्धि में ज्ञान भी होना चाहिए। तो कुशलता पूर्वक इसने अग्नियों की सेवा किया है, और इसने अपने जीवन में खूब तप भी किया है। इनमा त्वा अग्नयः परिप्रवोचन, अरे ऐसा अगर आप करेंगे कि इस ब्रह्मचारी का समावर्तन नहीं करेंगे, तो कहीं ये जिस अग्नियों की सेवा किया है ब्रह्मचारी, वो अग्नियां आपकी निंदा ना करें। इनमा त्वा अग्नयः, ये जो अग्नि है जिसकी उसने सेवा किया है वो तुमको श्राप ना दे देवे, वो तुम्हारी निंदा ना करें, क्योंकि जिसकी सेवा किया है अगर फल नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो जाएगा। तो ये अग्नियां आपकी निंदा ना करें, इसलिए आप इस ब्रह्मचारी को प्रवोचन प्रब्रूय, इस ब्रह्मचारी को ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए, और ब्रह्म विद्या का उपदेश करके इसका समावर्तन संस्कार करिए। परिप्रवोचन प्रब्रूहिये, इसका मतलब हुआ कि सेवा कराई है 12 साल तक, 12 साल तक सेवा कराई है, तैयारी कराई है, कर्म की योग की भक्ति का उपदेश दिया होगा, लेकिन ब्रह्म विद्या का उपदेश अभी नहीं किया, उसको उपनिषद नहीं पढ़ा। मैंने पहले दिन बताया था शाखा में आखिर में उपनिषद पढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद तो इस ब्रह्मचारी को उपकोशल को ब्रह्म विद्या का उपनिषद नहीं पढ़ाया गया। तो पत्नी कहती है, पत्नी का नाम नहीं मिल रहा है, वो पत्नी कहती है कि इसने तपस्या भी की है सेवा भी की है, तो वो अग्नियां जिनकी सेवा किया है वो आपकी निंदा ना करें, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रब्रूय, इसको करिए। तस्मै ही अप्रोच्यैव, तस्मै हा अप्रोच्यैव, अप्रोच्य आगे आ है हाँ। सत्यकाम ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हाँ। लगता है यहीं से चला है, बहुत बढ़िया तरीका कि घर वाली जो कहे एक कान से दूसरे कान से निकाल दो तो सुखी रहोगे।
अब दोनों पार्टी हो नाराज मत होना, क्योंकि अगर घर में तीन देवरानियां जेठानियां हैं चार और सबकी बात सुनने लगें तो गड़बड़ा जाओ। पुराने लोग कहते थे ज्वाइंट फैमिली में अगर रहना है संयुक्त परिवार में तो देवियों की बात सुनो मत। नहीं अब इसका मतलब सुनो बड़े प्यार से, हाँ खूब प्यार से सुनो, लेकिन एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। हाँ देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, धीरे धीरे अपने आप ही सब ठीक हो जाओगे। एक्शन में मत आओ, अब मत कह देना वनिता देष्टा स्वामी जी आप ही हो इसका, क्योंकि आदमी को तो फुर्सत नहीं, सवेरे गया काम से जो है दिन भर धक्के खा के कमाया, शाम को आया खाया पिया सो गया, उसको फुर्सत नहीं। और ये चार देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, तिनको दिन भर तेरे बेटे ने ये कर दिया, तूने यहाँ पानी लुढ़का दिया, तूने जो है गिलास नहीं धोया, बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों में फिर होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में जिसका रमण होवेगा वो श्रेष्ठ चीज़ को प्राप्त नहीं, लगभग यही होता है। तो कम से कम उपनिषद प्रमाण है परीक्षा तो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सत्य काम ने कोई ध्यान नहीं दिया। अप्रोच्य और बिना कुछ कहे प्रवास चक्रे, बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए, कहीं यात्रा पे चले गए, एकाध महीना के लिए, दो चार महीना के लिए यात्रा पे चले गए, बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए वहाँ से कहीं आपस चले गए। प्रवास प्रवसितवान ऐसे चले गए। अब सीधा सा ये है कि वो ब्रह्मचारी ने साधना किया है, उसके गुरुकुल के साथी लोग जानते हैं कि खूब साधना किया है, सत्यकाम की पत्नी भी जानती है कि साधना किया है, लेकिन फिर भी अभी सत्यकाम ने ब्रह्म विद्या का उपदेश अभी थोड़ा और कसना है, थोड़ा और देखना है। धैर्य कितना चाहिए, 12 साल सेवा करने के बाद भी अभी उपदेश नहीं मिला है। ब्रह्म विद्या में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतना धैर्य। कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, धीर होना चाहिए। अब एक दिन क्योंकि गुरु जी तो चले गए कहीं बाहर प्रवास माने अज्ञातवास नहीं मारू आप जाने वाले हैं इसलिए सबको याद है मुझ पर व्यंग संघ वाले कहते हैं प्रवास पर हैं, आरएसएस वाले कहते हैं प्रवास पर, मतलब हेडक्वार्टर छोड़ करके कहीं अन्यत्र यात्रा पर गए हैं। तो प्रवास माने अच्छी प्रकार से प्रस्कर्षेण वास, जहाँ पर रहने का कमरा है, सोने की जगह है, खाने, तब प्रवास होवेगा, और नहीं तो सड़क पर पड़े रहो तो उसका नाम प्रवास नहीं होवेगा। अब यहाँ से चले जाऊँ और गंगा जी किनारे सीढ़ी पर लेट जाऊँ तो उसका नाम प्रवास नहीं होगा। प्रवास मतलब यहाँ से निकल के वहाँ पर आप गए जहाँ पर सत्संग का आयोजन है या कोई और कार्यक्रम है, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। प्रवास हाँ, प्रवास चक्रे, ये प्रवास शब्द आपका उपनिषद का हो गया, वेद का शब्द हो गया प्रवास। हाँ तो अब वो बच्चा एक दिन बड़ा दुखी हुआ। कभी कभी शिष्य लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, अब समझ तो पाए नहीं कि गुरुजी का क्या भाव होगा, क्यों नहीं सुनाया, वो बहुत दुखी हुआ। तो बहुत दुखी में होने पे आदमी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, अब वो बैठ करके अनशन करने लगा। तो उस बच्चे के पास में सत्यकाम की पत्नी आती हैं और उसको समझाती हैं, भैया खाना खा ले देखो पढ़ना अगला मंत्र, साहाभ्यादिना अनशितुम दध्रे तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारिन अनसान किं नु न अस्नासि इति साहोवाच बहवा इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि न अशिष्यामि इति।
साहा व्याधिना, व्याधिना एक व्याधि से ग्रसित हो गया। कौन? उपकोशल नाम का विद्यार्थी एक व्याधि से ग्रसित हो गया। कौन सी व्याधि? मानसिक व्याधि से। मानसिक, भगवान भास्कर कहते हैं मानसेन दुखेन, मन का दुख। ऐसे कहते हैं ना, आधी व्याधि, ये बीमारी का दो विभाग बताया, आधी और व्याधि। तो ऐसे मानसेन दुखेन, मानसिक दुख से ग्रसित हो गया। और परिणाम अनसतुम, अनसतुम ददरे, अनसनम कर तुम, अनसन कर दिया, खाना पीना उसने छोड़ दिया। महाराज खाना पीना छोड़ दे, बता के छोड़ देवे तो कोई बात नहीं, आज पेट में दर्द है शाम को खाना नहीं खाओ, वैसे जो लोग ना खाओ बता देना चाहिए। चलो फिर से पढ़ो। साहा व्याधिना अनशितुम दद्रे तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारिन अनसान किमनु न अस्नासी इति साहोवाच बहवा इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया व्याधि प्रतिपूर्णे अस्मि ना आशिष्यामि इति। साहा व्याधिना, अब वो मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो गया। देखो अब यहाँ शरीर की व्याधि नहीं है, भगवान भास्कर ने लिखा मानसेन दुखेन, मानसिक व्याधि से ग्रसित तो हो गया। कौन? उपकोशल नाम का विद्यार्थी। उसके पास तम आचार्य जाया उवाच, उसके पास आचार्य की पत्नी सत्यकाम की पत्नी जाके बोलती है ब्रह्मचारिन, हे ब्रह्मचारी अनशान किमनु ना अस्नासी, हे ब्रह्मचारी तू भोजन क्यों नहीं करता है, किमनु ना अस्नासी तुम भोजन क्यों नहीं करते हो। सा होवाच, उसने उत्तर दिया, उपकोशल ने उत्तर दिया, बाहवा इमे अस्मिन पुरुषे। अब एक बहुत सुंदर एक सूत्र है, यहाँ से ये उपनिषद का एक समझ लो, बहुत सूत्र, बढ़िया सूत्र गया। बाहवा इमे अस्मिन पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णः। कह रहे हैं ये जो मनुष्य बाहवा, बाहवा माने बहुत सारे, इस लोक में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनके मन के भीतर नाना कामा, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं आती रहती हैं। इस जगत में, इस लोक में जो मनुष्य हैं, जो या कह लो कि जिनके भीतर अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि है, उनके भीतर नाना प्रकार की कामनाएं आती रहती हैं, और उन नाना प्रकार की कामनाओं से व्याधि भी, अनेक प्रकार के उनको मानसिक दुख भी प्राप्त होता रहता है। इसी तरीके से मैं भी हूँ प्रतिपूर्ण अस्मि, अस्मि अपने लिए हो गया। जैसे संसार के अनेक अनेक लोगों में कामना और व्याधियाँ होती हैं, वैसे मेरा मन भी व्याधि से ग्रसित है। प्रतिपूर्ण अस्मि, अस्मि उन कामना से, कौन सी कामना? कि मेरा समावर्तन संस्कार हो जाए, मुझको ब्रह्म विद्या की प्राप्त हो कामना से, और उस कामना का परिणाम हमारे मन में दुख हो रहा है। ना आशिष्यामि, इसीलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मना कर दिया। अब यहाँ पर एक बढ़िया मंत्र है। उसके बाद पत्नी चली गई अपना कोई काम हो, मुझका अपना और गुरुकुल देखना था। वो ब्रह्मचारी अनशन किए बैठा है, जहाँ पर अग्नि थी, अग्नि जलाया हुआ, उसी अग्नि के सामने बैठा हुआ अनशन कर रहा है, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन इस समय दुखी है, मन हमारा व्याधि से ग्रस्त है, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो अब घटना क्या घटती है कि जिस अग्नि की 12 साल तक सेवा किया है, वो अग्नियाँ ही प्रकट हो जाती।
अथ हाग्नयः समुदिरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः पर्यचारीत हन्त अस्मै प्रब्रवाम इति तस्मै होचु प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म इति अथ हा अथ हा इसके अनंतर अथ यहाँ पर अनंतरीय अथ यहाँ पर जो अर्थ शब्द आया अथ के तीन अर्थ होते हैं प्रसंगांतर मंगलवाची और अनंतरीय मंगलवाची प्रसंगांतर और अनंतरीय तो यहाँ पर अनंतरीय इसके अनंतर इसके बाद में हा प्रसिद्ध घटना अग्नया अग्नया यहाँ बहुवचन में हो गया एक वचन में नहीं एक वचन में होता तो अग्नि होता बहुवचन में जितनी अग्नियाँ होती हैं वो समस्त अग्नियाँ कहाँ पर समदूरे समुदिरे तप्तो समुद्रे माने करुणा से अग्नियों के भीतर करुणा उमड़ी प्रेम उमड़ा दया उमड़ी इस तप्त ब्रह्मचारी को देख करके और इनके सामने वो अग्नियाँ आकर के प्रकट हो गईं और अग्नियों ने आपस में कहा कुशलम नह कुशलम नह ना माने हम लोग ना बहुवचन में अग्नियाँ आपस में कहती हम लोगों की इसने बहुत बढ़िया परिचारित इसने बहुत बढ़िया सेवा किया है इसीलिए हम लोग कुशल से हैं अगर कोई अग्नि का ध्यान नहीं रखेगा तो अग्नि बुझ जाएगी उसका ध्यान नहीं रखेगा अगर समझा नहीं डालेगा तो बुझ जाएगी तो वो कहती हैं अग्नियाँ हम लोग कुशल से हैं क्यों इस ब्रह्मचारी ने हमारी बहुत बढ़िया सेवा किया पार्यचारित हंत अस्मै इसलिए हंत इदानी हंत का अर्थ इदानी में यहाँ पर हो गया हंत के कई अर्थ कहीं पर आश्चर्य होगा हंत का एक अर्थ आश्चर्य होता है यहाँ पर है इदानी इस समय अब हम इस ब्रह्मचारी के लिए प्रब्रवाम अस्मै प्रब्रवाम इस ब्रह्मचारी के लिए हम बताते हैं क्यों यहाँ पर विशेषण दिया है विशेषण क्या है अस्मद भक्ताय दुखताय भाष्य में देखना भाषा में लिखा होगा अग्निया का आपस में क्या विचार करी अस्मद भक्ताय हमारा भक्त है ये ब्रह्मचारी उपकोशल हमारा भक्त दुखिताय इस समय दुखी है तपस्वी ने तपस्वी भी है श्रद्धानाय मतलब चार विशेषण है उस ब्रह्मचारी के उपकोशल के यहाँ पर चार गुण का वर्णन है अस्मद भक्ताय मेरा सेवा करने वाला मेरा भक्त है दुखिताय इसका मन दुखी है तपस्विने इसने तपस्या भी किया है श्रद्धानाय इसके भीतर श्रद्धा भी कूट कूट के भरी है तो सर्वे परब्रवाम हाँ इसको हमको बताना चाहिए कौन सा ब्रह्म विद्याम इति ब्रह्म विद्या का उपदेश करना तस्मय होचु तो तस्मय उस उपकोशल के लिए होचु देखो होचु माने एक वचन में होता उवाच तस्मय उवाच तीनों अग्नियां एक साथ बोल रही हैं जितनी अग्नियां हैं सब एक साथ बोल रही बहुवचन हो गया तो तस्मय होचु उन अग्नियों ने कहा उपदेश दिया उपदेश है प्राणो ब्रह्मा कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा इति बस इतने में ब्रह्म विद्या हो गई उपदेश ब्रह्म विद्या इतना है प्राण ब्रह्मा कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा आया समझ में प्राण ब्रह्मा कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश हो गया लो अब बच्चा क्या कहता है वो फिर से देखो आगे देखो साहोवाच साहोवाच बिजानामि अहम् यत् प्राणो ब्रह्मा कं चातु खं ब्रह्मा
हम चा ना बिजानामी इति ते होचु यद्वावकं तदेव खम यदेव खम तदेव कम इति प्राणं च हास्मै तद आकाशं चोचुः सा होवाच। ओ उपकोशल नाम का विद्यार्थी कहता है, हे अग्निदेवता, हे महापुरुषो, बीजानामि अहम्, प्राण ब्रह्म है ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि पहले वाली विद्या का जो प्रसंग है देखो, प्राण ब्रह्म है ये तो मैं जानता हूँ, बीजानामि अहम् यत् प्राणो ब्रह्म, लेकिन कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम चा तु खम चा, ये जो आपने कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये हमने नहीं जाना। देखो जैसे आप लोग कह रहे हो ना, ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल यही देखो उस ब्रह्मचारी के मन के साथ चलो, देखो समझ में आ जाएगा उपकोशल के साथ में, कम क्या है खम क्या है ये नहीं जाना। ते हो चू, फिर से अग्नियों ने कहा, अग्नियों ने फिर से कहा, यद वाव कम, हे उपकोशल, जो कम है तद एव खम, वही खम है, यद एवं खम, जो खम है तदेव कम, वही खम, जो कम है वही खम है, जो खम है वही खम है, और जो खम है कम है वही प्राणम च, वही प्राण है और वही आकाश है। अब समझ में आया आप लोगों को, आ गया? पूरा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा। प्राण ब्रह्म है ये तो समझ में आया, कम खम नहीं समझ में आया। तब अग्नियों ने कहा, जो कम है सोई खम है, जो खम है सोई कम है, जो खम कम है सोई प्राण है, जो कम खम प्राण है सोई आकाश है, इति ब्रह्मा, इतना ही ब्रह्म विद्या है। जब यहाँ पर खंड समाप्त हो गया, और इस पर बहुत विस्तार में भाष्य है भगवान भाष्यकार का, मेरे ख्याल में लगभग बड़ा सा भाष्य होगा यहाँ पर, 2-3 पेज का। हाँ, तो ये भाष्य तो हम लोग नहीं देखेंगे, उसका सार मूल मूल थोड़ा हम बता देंगे, और इसके बाद फिर वो जितनी अग्नियाँ थीं उनको लगा कि इसको समझ में नहीं आया कम क्या खम क्या, तो फिर एक एक अग्नि ने अलग अलग उपदेश दिया उसको, एक एक अग्नि ने अलग अलग उपदेश दिया, तो आगे की बात फिर स्पष्ट होती है बाद में।